Hi, assalamu alaikum. After a long time, I am here with another video that is about paper scheme. Actually, ये first year की मैंने यहाँ पर first year mention नहीं किया. यहाँ पर ये first year की paper scheme है biology की according to LF mean के smart syllabus के according है 2021. Actually, पहले तो बात यह है कि confirm नहीं होता कि आया scheme के according paper आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, ये बात क्लियर कट आपके माइंड में डालनी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो स्कीम के अकॉर्डिंग हो. बिकॉज सेकेंड ईयर के कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं जिनमें पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं आया. ठीक है, बायो का भी अकॉर्डिंग टू स्कीम नहीं आया और भी पेपर थे जो अकॉर्डिंग टू स्कीम नहीं आया. लेकिन जो कल फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था, आई मीन प्रीवियस वीक में जो पहला पेपर था फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का, वो अकॉर्डिंग टू स्कीम आया. आई मीन कि जो लॉन्ग पार्ट था वो स्कीम के अकॉर्डिंग आया. तो काफ़ी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप किया कि मैम हमें बी स्कीम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, तो फिर मैंने वीडियो बनाई है. तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू स्कीम लॉन्ग क्वेश्चन, तो स्कीम ये बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब सेकंड जो सेक्शन स्टार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन 5 वहाँ से स्टार्ट है. ठीक है, तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 14 ए पार्ट 1 से आएगा और बी पार्ट 14 से आएगा. इसी तरह क्वेश्चन 6 है तो ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से आएगा. इसी तरह क्वेश्चन 7 है तो इसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा और चैप्टर नंबर 9 से बी पार्ट आएगा. 8 क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट 5 से आएगा और बी पार्ट 11 से आएगा. इसी तरह क्वेश्चन 9 है तो इसमें ए पार्ट 4 से आएगा और बी पार्ट 12 से आएगा. तो आपके पास 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपने सॉरी 5 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं. अब हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं इनके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा, तो एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कट बता दूँ कि मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो अनइम्पॉर्टेंट भी लिखे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी लिखे हैं. बिकॉज जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें अनयूजुअल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए आपने ये नहीं कहना कि ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर दें. नो, आपने फिर भी प्रिपरेशन करनी है उसकी. अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें बायोलॉजिकल मैथड एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और बायोलॉजिकल एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से एक टॉपिक होगा आपके पास क्लोनिंग का छोटा सा, तो उसको आपने लाजमी करना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. चैप्टर नंबर 14 की बात करें, काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो इसमें ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. क्वाइंट टेंशन थ्योरी है, रूट प्रेशर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑस्टोमेटा, इसमें आपने दोनों हाइपोथेसिस करने, एक शुगर वाला और दूसरा वो प्रेशर वाइन वाला. प्रेशर फ्लो थ्योरी है, प्लाज्मा आपने करना है और फंक्शन ऑफ ब्लड करने हैं, ह्यूमन हार्ट करना है, कार्डियोसाइकिल करना है, कंपैरिजन बिटवीन ब्लड वेसल्स, ठीक है, आर्टरी और वेंस, मेन लिम्फेटिक सिस्टम करना है और इम्यूनिटी करनी है. ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग क्वेश्चन है. अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसकी पेरिंग स्कीम बनी है चैप्टर 2 से एंड चैप्टर 8 से. तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर, ये तो काफ़ी सारा स्किप कर दिया गया था, तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने. एक है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड सेकंड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन का. तो चैप्टर नंबर 8 में से इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई. अच्छा, ये ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग में हो जाएगा बिकॉज आप इसको शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग में अटेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन आपने करना, ये इंपॉर्टेंट है. स्टेगोट्रेटिका का लाइफ साइकिल आपने करना है, वो लूज मट वाला. इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ये इंपॉर्टेंट है. तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है मोस्ट वो ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है. और ये आपका शॉर्ट के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग में अटेम्प्ट हो जाएगा और इसको आपने इसका लाइफ साइकिल वो डायग्राम वाला करोगे तो उसको अपने वर्डिंग में लिख लेना. इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में दो चैप्टर इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 9. तो चैप्टर नंबर 6 में न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है. ये दोनों आप शॉर्ट के लिए करोगे तो वही आप उठा के लॉन्ग में लिख दोगे. ठीक है, मतलब एज सच आपको उस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि लोगों के लिए कैसे याद करें क्योंकि ये छोटे छोटे से पैरा है. फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड टू कंट्रोल द बैक्टीरिया, ये आपने करना है. यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक करना है, ये आपने लॉन्ग के लिए करना है. करेक्टिस ऑफ सियानो बैक्टीरिया, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. बाकी जो आप वो शॉर्ट के लिए करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग में होंगे क्योंकि इस बार अनयूजुअल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने प्रिपेयर लाजमी करने हैं. इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 9 की, तो ब्रायोफाइटा की अडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट आपका टॉपिक लिखा होगा. अडॉप्टेशन टू लैंड हैबिटेट, तो उसमें ब्रायोफाइटा की हैबिटेट लिखा हुआ है, अडॉप्टेशन लिखी हुई है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह एवोल्यूशन ऑफ लीफ है, एवोल्यूशन ऑफ सीड है, इन दोनों में से एक कोई लास्ट में आता है तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एवोल्यूशन ऑफ सीड. ठीक है, इसमें आपको 5 स्टेप है, इसमें आपको बोलेगा 3 लिख दो या बोलेगा स्टेप के नाम लिख दो, मतलब इस तरह के जो भी इसने क्वेश्चन पूछे तो वो पूछेगा. ठीक है, एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं और ये दोनों भी आपने प्रिपेयर करने हैं. अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन 8 की, और चैप्टर इसमें दो इंक्लूड हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 11.
चैप्टर नंबर 5 से वायरस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस या फंक्शन ऑफ वायरस, ये आपका शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉन्ग में हो जाएगा। लॉन्ग में आपने प्रिपेयर करना है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज दोनों, लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल दोनों वाले करने हैं, ठीक है। इसके बाद एड्स आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है और हेपेटाइटिस जो वो लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। इस क्यों हेपेटाइटिस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करोगे कंपैरिजन बिटवीन हेपेटाइटिस ए एंड बी सी तो ऑटोमेटिकली वो लॉन्ग में अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने करना है। अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 11 की, तो चैप्टर नंबर 11 में जी स्कीम इंपॉर्टेंट है और जी कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रब साइकिल ये तो दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से 5 नंबर जो हैं वो पक्के हैं, ठीक है। और एक इधर से एवोल्यूशन ऑफ सीड और किधर गया सीड और लीफ में और लैंड हैबिटेट में, इसमें से 5 नंबर आपके पक्के, ये लाजमी पूछेगा, ठीक है, चाहे अकॉर्डिंग टू स्कीम आए चाहे अकॉर्डिंग टू स्कीम ना आए। तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रब साइकिल आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है कैल्विन साइकिल, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जो है वो प्रिपेयर करने हैं। इसके आपने क्या बनाना है, फ्लो चार्ट, सिंपल आप उनके साइकिल देख लो तो अपनी वर्निंग में आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें चैप्टर इंक्लूड है 4 एंड 12। अगर 4 की बात करें तो इसमें आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन करना है, ईआर गॉल्जी अपैरेटस ये करने हैं, लाइसोसोम करना है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है ये भी करना है, प्लास्टिड करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अंदर के अंदर डिफरेंस करना है, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है बार बार, ये भी मतलब ये वाली ऑर्गेनिक तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कई बार पूछा गया है, एक दो बार। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, तो इसमें डाइजेशन इन मैन, ठीक है, क्योंकि बाकी तो काफ़ी सारा स्किप कर दिया गया और जो रहता है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा, और डाइजेशन इन मैन जो ये लॉन्ग है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद स्टमक आ जाता है और इसके बाद ओरल कैविटी आ जाती है, तो डेट से आपने ये होल जो है वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो लास्ट है वो आपके पास आ जाता है फूड पॉइजनिंग, मीन के जो थे कॉमन डिजीज़ थी रिस्पायरेटरी की, तो इसमें बाकी तो उसने स्किप कर दी थी, आई थिंक सो तीन है इसमें, तो उन तीनों में से जो है वो फूड पॉइजनिंग इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में पूछ सकता है क्योंकि वो अनयूजुअल पूछ रहा है, तो डायरेक्ट से ये भी पूछ सकता है। तो ये थी स्कीम, ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्कीम 2021, और आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी 7 दिन हैं, नेक्स्ट फ्राइडे को आपका एग्ज़ाम्स होगा, बहुत सारे दिन पढ़े हुए, तो उसमें आपने अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, और इंशाल्लाह पेपर बहुत इजी आएगा, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी रखनी है, ठीक है, हेडिंग्स प्रॉपर देनी है, एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आता है आपने वो पहले करना है, जो नहीं आता वो आपने आखिर में करना है, ठीक है, चाहे मतलब कोई भी पार्ट आप लोग कर रहे हो। तो ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।